Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuhu. Dear children, today we are going to take subtopic of chapter number three. In this chapter, we are going to take second topic a good house and keeping a house clean. As we know, a house can be big or small. It can have one or many rooms. ये हम सब जानते हैं कि एक मकान छोटा भी हो सकता है या बड़ा भी इसमें एक कमरा भी हो सकता है या एक से ज्यादा कमरे भी वी ऑल लिव इन हाउसेज राइट इन ए होम वी ग्रो एंड डेवलप वी फील सेफ एंड कंफर्टेबल वी कैन रेस्ट एंड स्लीप इन आवर होम्स हम अपने घरों में डेवलप होते हैं बढ़ते हैं यही घर हमारा वजूद है इसमें हम खुद को महफूज और आराम महसूस करते हैं हम अपने घरों में सो सकते हैं और अगर थके हुए महसूस होंगे तो हमें अपने घर में आराम मिलता है इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट वी शुड कीप इट क्लीन नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम क्वालिटीज विच ए गुड हाउस शुड हैव children the most important is a house should be airy so we should get fresh air and it should allow the sunlight to get into your house बच्चों अहम बात यह है कि मकान हवादार होना चाहिए ताकि हमें ताजा हवा मिलिया हो और हमारा मकान ऐसा होना चाहिए जिसमें सूरज की रोशनी पड़े children house should be germ free For that we need to clean our house regularly sunlight is our important requirement because it keeps the house free from germs so our house should have doors and windows to let a lot of sunlight in hamara makan jara jara se pak hame ghar ko karna yani daily रोशनी हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे घर को जरासीम से दूर रखती है इसी हमारे मकानों में दरवाजे और खिड़कियां होनी चाहिए ताकि रोशनी अंदर तक आ पहुंचे। अनदर क्वालिटी ऑफ अ गुड हाउस इज़ टू हैव क्लीन एंड फ्रेश एयर बिकॉज़ क्लीन एंड फ्रेश एयर इज़ नीडेड फॉर आवर गुड हेल्थ टोर्स एंड विंडोज लेट फ्रेश एयर इन ओपन स्पेस इन हाउसेस लॉन्स वाली ऑल्सो अलाउ फ्रेश एयर इनटू टू द हाउस दूसरी बात यह है कि हमारे घर में साफ और ताज़ा हवा होनी चाहिए क्योंकि साफ और ताज़ा हवा हमारी सेहत के लिए अच्छी है दरवाजे और खिड़कियों से हवा अंदर आती है मकान में खुली जगह होनी चाहिए जैसे लॉन्स बॉलकनी इनके जरिए भी घरों के अंदर हवा पहुँचती है अनदर पॉइंट ऑफ ए गुड हाउस इज टू हैव इन डोर्स एंड विंडोज। दिस स्टॉप्स द एंट्री ऑफ इंसेक्ट्स सच एज मस्किटोज एंड फ्लाइज दिस अलाउज द एंट्री ऑफ सनलाइट बट इट स्टॉप्स द एंट्री ऑफ इंसेक्ट्स थ्रू दिस वी गेट फ्रेश एयर ऑल्सो हमें अपने मकानों के दरवाजे और खिड़कियों को वायर नेटिंग लगवाना चाहिए क्योंकि ये कीड़ों को अंदर आने से रोकती हैं मगर रोशनी को नहीं बल्कि कीड़ों को जैसे मच्छर मक्खी वगैरह सम वेज ओके नाउ वी विल डिस्कस टू कीप आवर हाउस क्लीन नंबर वन हाउस होल्ड वेस्ट शुड बी थ्रोन इन टू डस्टबिन एंड डस्टबिन शुड ऑलवेज बी कवर्ड घरों से जो हमें कोड़ा वगैरह मिलता है वो हमें कोड़ेदान में डालना चाहिए और ये कोड़ेदान अच्छे तरह से कवर्ड होने चाहिए नंबर टू वी शुड मोप अवर फ्लोर ऑफ हाउस ऑन रेगुलर बेसिस एंड वी शुड यू जम किल लाइक फिनाइल समथिंग लाइक दैट हमें अपनी मकानों के फर्श को रोज़ाना पोछा लगाना चाहिए और जरासी मारने की दवाई भी इस्तेमाल करनी चाहिए जैसे फिनाइल नंबर थ्री बाथरूम्स एंड किचन शुड बी प्रोवाइडेड विद कवर्ड ड्रेन सो दैट दटी वाटर डज नॉट कलेक्ट नियर इट किचन या बाथरूम में जो पानी इस्तेमाल होता है उसके लिए प्रॉपर ड्रेन्स होनी चाहिए ताकि जो वाटर है गंदा पानी वहाँ पे जमा ना हो नंबर द हाउस मस्ट बी कैप्चर प्रॉपर प्लेसेस दिस वे द हाउस लुक्स नीट एंड गुड जो चीजें हमें अपने घरों के अंदर होती हैं उनको हमें अपनी अपनी जगह पर रखना चाहिए इससे क्या होता है इससे हमारा घर अच्छा लगता है नंबर फाइव द वॉल्स ऑफ द हाउस मस्ट बी पेंटेड एंड वाइट वाशेड हमें अपने घरों की दीवारों को पेंट करना चाहिए दिस इज ऑल फॉर टुडे थैंक यू